प्रधानमंत्री कल जयपुर में परिवर्तन संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। रैली में लाखों की संख्या में भाजपा समर्थकों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री को रैली को लेकर कैसी है तैयारियां और कैसा है उत्साह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं और परिवर्तन संकल्प महायात्रा प्रधानमंत्री उसके लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। सर, एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं आने वाले समय में इस परिवर्तन संकल्प महायात्रा से? निश्चित रूप से परिवर्तन देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है 25 सितंबर, और प्रधानमंत्री जी जयपुर में जो हमारी 4 जगहों से यात्राएं निकली थी इनका समापन करेंगे। दूसरा सर, देख भी रहे हैं कि एक छोटा सा रोड शो भी है, मंच के बीच में सड़क बनाई गई है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में सुनने के लिए जो जयपुर और उसके आसपास के लोग यहाँ पहुँचेंगे और खास तौर से महिलाएं बड़ी संख्या में पहुँचेंगी। लोकसभा और विधानसभाओं में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा उसके लिए प्रधानमंत्री जी का महिला संगठनों द्वारा, महिलाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा, और ये तो मंच का संचालन से लेकर के और सारी व्यवस्थाएं भी शायद महिला मोर्चा ही संभाल रहा है। दूसरा, अगर सर राजस्थान की बात करें तो किस तरह की स्थिति आने वाले समय में आप राजस्थान में देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने हमें अनस्टेबल गवर्नमेंट दी, जब से बनी थी तब से वो एस्ट। जब कोई सरकार अनस्टेबल होती है तो वो काम नहीं कर पाती है जी, उसको यही डर रहता है कि मेरी सरकार गिर नहीं जाए, और उसी डर से इन्होंने कोई विकास के कार्य ज़्यादा नहीं किए और ये सुशासन भूल गए और जनता परेशान हो गई। 2 खेमों में सरकार बट गई, दलितों पर अत्याचार बट गए, महिलाओं पर अत्याचार बट गए, और शासन रहा ही नहीं। ऐसा हम मानते ही नहीं कि सुशासन नाम की कोई चीज़ है, इसलिए आक्रोश है। और हमें परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी दिखा, जगह जगह दिखा, इसलिए जो दिसंबर में रिजल्ट आएंगे उसमें भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो संकल्प यात्रा होगी, खासतौर से परिवर्तन संकल्प यात्रा, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, महिलाएं खासतौर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, और पिछले 4.5 साल में राजस्थान के अंदर जिस तरीके से तमाम समुदायों के ऊपर अत्याचार हुआ है उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ नीरज सिंह, DD News, जयपुर।